कोविड के बाद 72% लोगों ने अपने आसपास एक या उससे ज्यादा व्यक्तियों को सडन कार्डियक अरेस्ट के कारण खोया है। केवल गुजरात में एक महीने के अंदर 1000 युवाओं जिनकी उम्र 25 से 40 के बीच थी सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ। एक गरबा नाइट में 10 लोगों को कार्डियक अरेस्ट हुआ जिसमें एक 17 साल का बच्चा भी था। ऐसे कई रील्स वायरल हुए जिसमें शादियों में दूल्हा या दुल्हन या किसी बाराती को सडन कार्डियक अरेस्ट के कारण अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जिम में, सड़क पे या ठंडा पानी पीने से भी लोगों को कार्डियक अरेस्ट हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोविड ने हमारे हार्ट को थोड़ा कमजोर कर दिया है, तो अब क्या करें? सबसे पहले डू नॉट एक्सर्ट। फिजिकल एंड मेंटल लेवल पे एक शांति, एक विश्राम बनाए रखें। दूसरा, एक साथ बहुत सारा ठंडा पानी न पिएं। किस नर्व को जर्क लग सकता है जिससे हार्ट अचानक से काम करना बंद कर सकता है। तीसरा, 50 से भी अधिक यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनली एंड नेशनली ये अप्रूव कर चुकी हैं कि सुदर्शन क्रिया मेडिटेशन हमारे हार्ट को पैरासिम्पथेटिक डोमिनेंस के द्वारा मजबूत कर देती है। हार्ट हेल्थ पैरामीटर्स जैसे कि HRV यानी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी एंड RSA यानी रेस्पिरेटरी साइनस एरिथमिया ये दिखाते हैं हमारा हार्ट कितना यंग है और कितना मोल्डेबल है, और ये दोनों ही पैरामीटर्स सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिशनर्स में बहुत बेटर है। आप ये सब रिसर्च गूगल करके देख सकते हैं और जल्द ही अपने सुदर्शन क्रिया सीखें।